Today's visit to Tripura to oversee the functioning of NCC in the state. जैसे कि आपको पता होगा हाल ही में बॉर्डर कोस्टल एक्सपेंशन के दौरान भी इस स्टेट में एडिशनल वैकेंसीज दी गई थी एंड ऑल्सो एज द कोविड सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड आर फिजिकल एक्टिविटीज एंड कैंप्स हैव रीस्टार्टेड सो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्टॉक ऑफ सिचुएशन एज टू हाउ NCC इज फंक्शनिंग ओवर हियर. Yesterday I visited all the three units which are located here, interacted with the cadets and the PI staff, and thereafter today I met the Honorable Minister of Education and apprised him of all the activities what the NCC is doing in the state. Sir, aaj aap kya aaj state ke education minister ke saath main mila और मैंने NCC की गतिविधियों के बारे में उनको अवगत कराया और उनसे जैसे यहाँ NCC में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में भी अवगत कराया और जो स्टेट उनको सपोर्ट दे रहा है उसके बारे में मैंने अपना आभार प्रकट किया. थैंक यू. इससे में कुछ बातचीत हुआ क्या? अभी अभी तो एक डिमांड था या का जो NCC कर रहा है उसका जो अगरतला से एक रीजनल हेडक्वार्टर व ऑफिस बनाने के लिए. NCC की तीन यूनिट्स हैं त्रिपुरा में और जो आज मेरी बात हुई है एजुकेशन मिनिस्टर साहब से वो NCC की ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा के बारे में बढ़ाने के लिए बात हुई है. अगर यहाँ पे अगर रीजनल ग्रुप हेडक्वार्टर की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे. आज की डेट में वो तीनों यूनिट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. आज की डेट में त्रिपुरा की स्ट्रेंथ तकरीबन 6,000 है. इसके अंदर हमारी 30% से ज़्यादा कैडेट्स गर्ल्स कैडेट 2500 के आसपास गर्ल कैडेट्स. इसको और बढ़ाने के लिए कि कोई आप लोगों का पास कोई कुछ है क्या करने के लिए? हाल ही में बॉर्डर कोस्टल एक्सपेंशन में इसको एडिशनल वैकेंसी दी गई थी और इसके अंदर बढ़ावा हुआ है और अगर और भी रिक्वायरमेंट है तो हम उसके बारे में सोचेंगे. एक हाई पावर कमेटी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी है NCC के बारे में सुझाव देने के लिए. जैसे ही उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन अप्रूव होती है तो जो उसका निर्णय है उसके ऊपर हम अमल करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद. जय हिंद. सर कितना दिन के लिए आया आप? 2 दिन के लिए. मैं आज वापस जाऊँगा.